सो गाइस अभी हो रहा है ना दोपहर का 2, ठीक है। और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, ठीक है। और मैं 2 दिनों के लिए निकला हूँ और मुझे नहीं पता यार कि मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, कौन कौन सी चीज़ें विजिट करूँगा, क्या क्या मैं एक्सप्लोर करूँगा। आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं। देखो मैं घर से सुबह 10 बजे निकल गया था और मैं फ़िलहाल टाइम में अभी हूँ गोरखपुर में, ओके। अभी मैं गोरखपुर में हूँ। आई डोंट नो कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, कहाँ कहाँ नहीं जाऊँगा यार, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये 2 दिन जो है ना, मैं इस 2 दिन को इतने अच्छे तरीके से मतलब घूमना चाहता हूँ, विजिट करना चाहता हूँ ना, कि लगे हाँ ये 2 दिन मेरे लिए क्या है, ठीक है। देखो मैं गोरखपुर में तो पहुँच चुका हूँ और घर पे भी था, तो मैं कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं कहाँ पर जाऊँगा कहाँ पर नहीं जाऊँगा। बस ऐसे ही घर से निकल गया था घूमने के लिए बस। और ये 2 दिन जो हो रहे हैं ना, ये मेरे लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं, ठीक है। पता नहीं यार कि मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं। अभी तो मैं फ़िलहाल बस से उतरा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन पे, ओके। मैं वहाँ पे डिसाइड करूँगा कि मैं कहाँ पे कहाँ का टिकट लूँ, या फिर मैं अपने माइंड में रास्ते में सोचूँगा कि मैं कहाँ का लूँ, फिर मैं वहाँ का टिकट लूँगा और वहाँ पे जाऊँगा घूमने के लिए। जहाँ भी जाऊँगा वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जो भी चीज़ें होंगी मेरे साथ, वो हर चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगा, ओके। तो ये मेरे लिए 2 दिन चैलेंजिंग होने वाले हैं और मैं बस जा रहा हूँ यार। और आप लोग इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट ज़रूर देना। और मुझे नहीं पता कि ये 1 वीडियो में बन पाएगी या फिर 2 वीडियो में बनेगी या फिर 3 वीडियो में बनेगी। जितने भी वीडियो में बनेंगी वो सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। यहाँ पे टिकट 9 बजे मिलेगी और जो ट्रेन है वो 11 बजे निकलेगी, ठीक है। तो ट्रेन निकलने से पहले हमें टिकट निकालना होगा और टिकट तभी निकलेगी जब वो निकलेगी, ठीक है। ट्रेन यहाँ से निकलेगी तो निकलने से 1-2 घंटे पहले हमें निकलना है, तो इसीलिए 9 बजे के बाद ही टिकट मिलेगी। और जैसे ही मिलती है तो हम लोग बैठेंगे और लखनऊ की ओर रवाना हो जाएंगे, ओके। तो मेरे को ये लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी हो रहा है 4, तो क्या करें यार, तब तक बोर तो हो जाऊंगा यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है। मुझे लगता है कि यार मैं क्यों ना गोरखपुर सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश। हाँ तो बात करें गोरखपुर स्टेशन पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैं सोचा ये कि क्यों ना चलते हैं गोरखनाथ टेम्पल को एक्सप्लोर करके, ठीक है। देखो मैं गोरखपुर में तो बहुत बार आया हूँ लेकिन अभी तक मैं गोरखनाथ टेम्पल नहीं गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा और उस चीज़ को मैं खुद से एक्सपीरियंस भी दूँगा उस जगह और देखूँगा, ठीक है। तो अरे ले चलते हैं, अगर बिस्किट विस्किट खाना हो तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं पार्सल करा दूँगा, ठीक है। उसका मत जाना क्योंकि भूख लगती है यार, मैं भी इंसान हूँ इसलिए खा रहा हूँ। तो अभी के लिए चलते हैं और मैं आपको चलते चलते व्यू दिखाता हूँ सिनेमैटिक मूवमेंट एंड शॉट, ओके। सो लेट्स सी।
हाँ तो भाई लोग, एक चीज़ बतानी थी यार, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और क्या हुआ ये चीज़ मैं बताता हूँ। जो मेरा ट्राइपॉड होता था ना, और जो मेरा कैमरा है, वो सारी चीज़ें निकलवा के रख लिया गया, ठीक है, और बस ऐसे ही भेज दिया गया बस घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें लाना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए यार मैं आया हूँ, बस ऐसे ही फ़ोन को ऐसे हैंड में लेके मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया हूँ, तो मैं बना रहा हूँ बस आप लोग। हाँ तो भगजन, ये सारे सिनेमैटिक शॉट देख के आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। देखो यार, मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया हूँ, लेकिन आप लोग ना देखते देखते मत थकिएगा, ओके। तो यार सीन को देखो, यहाँ की सभी चीज़ों को देखो,